हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अविनाश एक बार फिर आप सबका फिजिक्स फैक्ट बाय फिजिक्स सेट के चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग हिंदी को एक क्रम से पढ़ा जा रहा था, उसी क्रम में आज हम बात करेंगे। हिंदी का एक टॉपिक है संधि, उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे। हम लोग पहले ही दीर्घ संधि को पढ़ चुके हैं, उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे गुड़ संधि। तो पहले बताते हैं गुड़ संधि होता क्या है। गुड़ संधि में जब भी आप जानते हैं कि जो आपके संधि है, संधि के तीन प्रकार होते हैं, उसमें हम लोग जिस संधि की बात करें वो स्वर संधि है। स्वर संधि में हमेशा क्या होता है, दो स्वरों के मिलन को हमेशा स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत जो गुड़ संधि होता है, गुड़ संधि में हमेशा या तो अ या तो बड़ा, वो हमेशा ई बड़ी के साथ मिलता है, या उ छोटा उ और बड़ा उ के साथ मिलता है, या ऋषि वाले और ऋषि वाले उससे मिलता है, इन तीनों से मिलता है। अगर छोटी ई और बड़ी ई के साथ मिलता है तो उस कंडीशन में हमेशा ए बनाता है, छोटा उ और बड़ा उ से मिलता है तो हमेशा ओ बनाता है, और ऋषि से मिलता है तो हमेशा अर बनाता है। अब ध्यान देते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ सारे और महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उन सबको हम एक एक क्रम से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अ यानी छोटा आ, अरे अ है और आ है, उसके साथ छोटी ई बड़ी ई मिलके जो ए बनाता है, उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने काफी सारे एग्जाम्पल लिए हैं, उन एग्जाम्पल में नरेंद्र है, सुरेंद्र है, परमेश्वर है, महेंद्र है, राकेश है, रमेश है, राजेश है, धरेश है और दिनेश है। अब इन सब की बात करते हैं कि कैसे ये इनको कैसे वो फॉलो कर रहा है। जैसे इसको हम तोड़े तो नर प्लस क्या बनेगा, इंद्र बन जाएगा। नर प्लस इंद्र बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, नरेंद्र। इसका देखिए अ है और इसका देखिए छोटी ई है, मिलके क्या बन गया, ए बन गया। आपका इस हिसाब से आप क्लियर कर सकते हैं, नरेंद्र हो गया। दूसरा चीज, इसी प्रकार सुरेंद्र है, सुरेंद्र को भी अगर हम तोड़ते हैं तो आपका बनेगा क्या, सुर प्लस इंद्र हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। यानी अ और छोटी ई मिल जा रही है तो आपका ये बन जा रहा है सुरेंद्र। इसी तरीके से परमेश्वर है, इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर में तोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, परमेश्वर। इसी तरीके से महेंद्र है, तो इसको आपको मह नहीं तोड़ना है, इसको हमेशा हमने जब भी बताया आपको हमेशा सार्थक वर्ड निकलना चाहिए। सार्थक वर्ड का कैसे निकलेगा, इसका महेंद्र का सार्थक वर्ड हमेशा महेंद्र का महा निकलेगा प्लस इंद्र निकलेगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा, महेंद्र। इसी तरीके से राकेश का है तो राका प्लस ई, इसको बता भी देना चाह रहा हूं कि राकेश जो होता है, राकेश जो होता है वो चंद्रमा का एक पर्यायवाची है, और उसमें राका जो होता है, राका का मतलब होता है रात का, ईश का मतलब उसके स्वामी, रात के जो स्वामी है उन्हीं को क्या कहते हैं, राकेश कहते हैं। इसी तरीके से रमेश, इसको जब तोड़ेंगे तो जाएगा रमा प्लस ईश, रमेश हो जाएगा। इसी तरीके से राजेश को तोड़ेंगे तो जाएगा क्या, राजा प्लस ईश। इसी तरीके से धरेश को तोड़ेंगे तो धरा प्लस ईश। इसी तरीके से दिनेश को तोड़ेंगे तो इसको दीना नहीं करेंगे, जिस चीज का सार्थक अर्थ निकलेगा उसी हिसाब से अनुवाद करेंगे, तो इसका जो सार्थक अर्थ है वो दीन निकलेगा प्लस ईश। इस तरीके से हम इसको पूरा कर सकते हैं, और हमको यहां पे ध्यान इस बात का रखना है कि जो अर्थ निकले वो सार्थक निकले, और दूसरा चीज कि वो किसी न किसी चीज का अर्थ हो। इसमें आप ज्यादातर देखेंगे, ज्यादा तो आपके इंद्र मिल रहे हैं या तो ईश मिल रहे हैं, ईश में हमेशा बड़ी की मात्रा होती है और इंद्र में हमेशा छोटी की मात्रा होती है। इस तरीके से आपका ये वाला पोर्शन खत्म। दूसरा, ये वाला जो पोर्शन है वो इससे बिलोंग करता है, अ या आ के साथ जब उ या बड़ी बड़ा उ मिलता है तो हमेशा ओ बनाता है। इसमें आप इसकी पहचान भी इस हिसाब से देख सकते हैं कि सारे में क्या होंगे, या तो हमेशा ओ की मात्रा लगे, जैसे नवोढ़ा, जलोर्मी, महोत्सव, गंगोदक और महोर्मी, परोपकार, चंद्रोदय, सूर्योदय और जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार। इस तरीके से आप जितने भी देखेंगे सब आप में या तो ओ की मात्रा लगी रहेगी, और इसमें बात करेंगे तो हमेशा
एक ही मात्रा लगी रहेगी। इन सारे में ए की मात्रा, इन सारे में ओ की मात्रा, और इसमें हमेशा ये वाला जो होता है जिसको उड़ंतुआ रह कहते हैं वो हर में लगा होता है, इससे इसकी पहचान भी कर सकते हैं कि ये गुड़ संधि है। इसमें बात करते हैं तो नवड़ा को अगर तोड़ेंगे तो नौ प्लस क्या टूटेगा, ओढ़ा। नौ प्लस ओढ़ा में इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जलोर्मी है इसको तोड़ेंगे जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी में तोड़ सकते हैं। इसी तरीके से महोत्सव है तो महा प्लस उत्सव। ध्यान इसी को, इसमें आपसे जब संधि विच्छेद पूछता है तो ध्यान आपको सिर्फ छोटे बड़े का ही ध्यान देना पड़ता है कि किसमें छोटा लगता है और किसमें बड़ा लगता है। तो देखिए आगे से हम लोग अभी जलोर्मी किए, नवोढ़ा किए, तो इसमें हमेशा बड़ा उसकी मात्रा लग रही है, लेकिन जैसे ही महोत्सव की बात करें इसमें ऊ की मात्रा क्या होगी, छोटी होगी। इस कंडीशन में और आगे बढ़ते हैं तो इसको कहेंगे गंगा प्लस उदक। ठीक, गंगा प्लस उदक को जब करेंगे तब हो जाएगा क्या, गंगोदक हो जाएगा। महोर्मी आ गया तो जिस तरीके से जलोर्मी को तोड़ा गया उसी तरीके से महोर्मी को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी हो गया आपका। इसी तरीके से परोपकार है तो इसको करेंगे क्या, पर प्लस उपकार। इसको ध्यान रखिएगा, इसको परा मत कर दीजिएगा, परा करने से क्या होता है, परा करने से इसका अर्थ बदल जाएगा और इस अर्थ का ये क्या हो जाएगा, इस जो अर्थ लगाएंगे अनर्थ हो जाएगा। इस तरीके से जब भी हम बात करेंगे पर मतलब हमेशा क्या होता है, दूसरा उपकार, मतलब दूसरों के ऊपर जो उपकार किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, परोपकार। चंद्रोदय है तो हो जाएगा चंद्र प्लस उदय। सेम कंडीशन सूर्योदय है तो हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। इन सबको ध्यान रखेंगे, उदय में हमेशा छोटा उ लगता है, उर्मी में या ओढ़ा में हमेशा बड़ा उ लगता है, ध्यान बस इन्हीं सबका रखना है। जैसे उर्मी हो गया, ओढ़ा हो गया और फिर एक देख रहे उर्मी, तीन लग गया तो हमेशा बड़ा उ की मात्रा। उत्सव हो गया, उदक हो गया और उपकार हो गए, उदय हो गया, उदय हो गया, ये सब आप में क्या है, छोटा उ की मात्रा हमेशा लगती है। एक इंपॉर्टेंट, इसको मैंने पहले से इंपॉर्टेंट कर दिया है, जीड़ा द्वार, इसको जब भी तोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या आपका, हो जाएगा जीड़ प्लस उद्धार। इसको ध्यान रखिएगा, जीड़ो द्वार है तो इसको हम लोग कहेंगे जीड़, जीड़ मतलब जो होता है जीव जंतु होते हैं, उद्धार, किसी भी जीव जंतु का जो उद्धार किया जाता है उसी को कहते हैं जीड़ो द्वार। ठीक, और बाकी अब तीन आपके इधर बच गए हैं, तीन आपके जो है ये क्या है, अ प्लस आ के साथ जब ऋषि जुड़ता है तो अर बनता है। अर मतलब इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा राजा, राजा प्लस ऋषि, सॉरी राजा प्लस ऋषि, इसको तोड़ेंगे तब ये बनेगा राजर्षि। इसमें देख रहे हैं इसमें ये उड़ंतुआ वाला र है लेकिन सब में कहीं नहीं है, क्योंकि जब जानते हैं कि अ और आ के साथ जब ऋषि वाला र जुड़ता है तभी वो अर बनता है, तो यहाँ पे जैसे ही जुड़ा ये उड़ंतुआ वाला र यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से इसको तोड़ेंगे तब क्या बनेगा, सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, महा प्लस ऋषि, इसको तोड़ेंगे महर्षि हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी, एक चीज काफी यहाँ पे काम हो चुका है उसमें हम दिखा सकते हैं कि हमेशा जब महर्षि आए या किसी चीज में महा का उपयोग हो तो उसमें हमेशा महा लेते हैं, नहीं कि मह कभी लेके नहीं चलते हैं, हमेशा क्या लेके चलते हैं, महा लेके चलते हैं। इस तरीके से आपका जो आपका गुड़ संधि है वो फिनिश हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गुड़ संधि के बाद जो अगली संधि है उसका नाम है वृद्धि संधि, उसको बात करेंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।